हरे कृष्णा। देखो आज हम लोग का बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा दिन है, को भी उतना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। देखो आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन है। आज हम सबके सब घर के मालिक कौन है? घर किसके हैं? प्रभु। क्या नाम है आपकी? मनीष। श्री मनीष जी घर में आज भगवान की कथा, सत्संग और भगवान की कीर्तन और कथा हो रही है। इसलिए शंकर जी माता पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ी दुर्लभ है। तब मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है? शंकर जी कहते पार्वती, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर ए कौवारा। ये बात को कह के कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं। अगर कोई बात को एरे गिर व्यक्ति कोई बोले ना, अरे उसके बात का क्या महत्व है? लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात बोले, कोई मुख्यमंत्री बोले, भैया कुछ दम है। इसलिए ये बात को कौन कह रहे हैं? बोले सत्यम शिवम सुंदर। कह रहे हैं किसको? बोले जगत अम्बा जगत जननी श्री माता पार्वती को ये बात कह रहे हैं। बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार, ये संसार में जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है, ये बड़ा दुर्लभ है। कहते निमिष दंड भर एक बार, अगर जीवन में एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुनी आध तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। अगर जीवन में थोड़ी सी सत्संग मिल जाए ना, करोड़ों करोड़ों पाप को ये नष्ट कर देती है। इसलिए आज हम लोगों का बड़ा भाग्य है जो हमें थोड़ी समय भगवान की सत्संग और कथा सुनने को मिलता है। आप बोलोगे भैया सत्संग का क्या महिमा, क्यों ये सत्संग की इतने महिमा बताए? एक दिन श्री नारद जी भगवान कृष्ण के पास में गए, बोले प्रभु जी दुनिया कहते सत्संग करो सत्संग करो, ये सत्संग की क्या महिमा है, आप थोड़ी सी मेरे को समझाओगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो एक काम करो, तुम अमुक स्थान पर जाओ, देखना वहाँ पर एक गिरगिट है, वो गिरगिट तुम्हें ये सत्संग की महिमा बताएगा। ये जो बच्चे हई होला कर रहे हैं ना, दरवाज़ा बंद कर दो। कोई एक घर में ये बच्चों को रख करके उनका दरवाज़ा बंद कर दो, बोले घर में तुम लोग बात करो, सारे बच्चों को एक घर में रख लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हाँ आप लोग ध्यान से सुनो। बोले कहाँ भेजा नारद जी को? जंगल में। अरे जोर से बोलो, गिरगिट को पास। बोले गिरगिट बताएगा सत्संग की महिमा। बोले प्रभु गिरगिट क्या बोलेगा? बोले जाकर पूछो तो सही। वो गया सचमुच से देखा है कि गिरगिट है, वो देखते ही बोले ठाकुर जी तुम्हारे पास में सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजा, थोड़ा बताओगे? अब गिरगिट देखे हो, देखना सर कैसे हिलाता है। दो तीन बार जब पूछे, दो तीन बार तो सर हिलाया और वहीं पर अपना शरीर को छोड़ दिया। नारद जी ने देखा तो शरीर ही छोड़ दिया, मेरे सत्संग की महिमा क्या बताएगा? वापस आए, बोले ठाकुर जी अपने कहाँ पर भेजा, गिरगिट तो शरीर ही छोड़ दिया बोलते। बोले एक काम करो। बोले क्या है? बोले जाओ जंगल में अमुक स्थान पर एक तोता तुमको मिलेगा, ये तोता सत्संग की महिमा बताएगा। बोले तोता क्या बोलेगा? बोले जाकर के पूछो तो सही। सचमुच से उसने तोते को देखा, एक दो बार प्रश्न करके तोता भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो रहा है, तो सब से मरते जा रहे हैं। फिर वापस आए, बोले प्रभु दो जीव मर गए, आप बताओ सत्संग की क्या महिमा? इतने बोले एक काम करो, अमुक स्थान पर जाओ, देखना है कि गैया है, उसने एक बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़ा तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। सचमुच से गया तो देखा एक बछड़ा है। जब उन्होंने बछड़े को दो तीन बार महिमा पूछे, वो भी शरीर ऐसे ही छोड़ दिया।
बोले ये सबके सब मरते हुए जा रहे हैं, ये सत्संग की महिमा क्या बताएं। ठाकुर जी और पास ही में आए, बोले ठाकुर जी और मेरे को कहीं मत भेजा करो, क्योंकि तीन तीन प्राणी मेरे से शरीर छोड़ चुके हैं। बोले तू लास्ट बार जाना। बोले कहाँ? बोले अमुक स्थान पर जाओ, वहाँ पर एक राजा का के बेटा जन्म हुआ, वो बेटा ने सत्संग की महिमा बताएगा। नारद बोले हे भगवान, अगर बेटा अगर प्राण छोड़ दिया तो सीधा राजा जेल में बदल देगा। बोले प्रभु और मत भेजा कर, बोले लाश एक बार तुम जा और तुमको भेजेंगे नहीं। सचमुच से वहाँ पर गए, देखा राजा का के बेटा जन्म लिया है। वो बेटे को पूछे ठाकुर जी आपको पास में सत्संग की महिमा को समझाने के लिए भेजे, सत्संग की महिमा बताओ। जब उसने दो तीन बार पूछे ना, इतने में बच्चा तो रो पड़ा। नारद तो डर गए, हो गया इसका भी काम हो गया। नारद जी वहां से भगे, क्योंकि अगर ये शरीर छोड़ देगा तो राजा जेल में मेरे बंद कर देगा, वहां से भगे। लेकिन बात ये था, अब देखना जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, रोता है कि नहीं, रोता है कि नहीं। अगर बच्चा नहीं रोए ना फिर परिवार रोता है, मतलब क्या है समझ रहे हो? अगर बच्चा नहीं रोता है मतलब गूंगा है, वो बच्चा गूंगा है। इसलिए आप देखना अगर रोता नहीं ना तो थप्पड़ मार मार कर बच्चों को रुलवाते हैं। वो नहीं रोएगा तो फिर परिवार रोएगा। वो बच्चा फिर जन्म लिया था लेकिन बच्चे जन्म से ही वो गूंगा था। लेकिन नारद जी को दर्शन करते ही उसका पाप खत्म हो गया। दर्शन कर पाप खत्म होते ही बच्चा रोना शुरू कर दिया। लेकिन संत को तो पता नहीं, नारद तो भगे वहां से। इतने में एक दासी ने राजा को पास में भागते भागते गए, बोले महाराज आपका बच्चा जो गूंगा था ना उसको मुंह खुल गया। बोले कैसे? बोले कोई एक संत आए थे, वो संत दर्शन मात्र से ही मुंह खुल गया। बोले वो संत कहाँ, जल्दी जल्दी बुलाओ। नारद जी को ढूंढने के लिए गए, बोले बाबा रुक जाओ। नारद तो बोले हो गया, लगता है बच्चा शरीर छोड़ दिया राजा जेल में बंद कर। बोले बाबा रुको रुको, बड़े कष्ट से बाबा को रुके। बोले क्या बात है? बोले राजा आपको याद कर रहे हैं। और डरते डरते नारद जी आए। इतने में राजा को पास में आते ही राजा चरण में गिर पड़े, बोले बाबा मेरे बच्चा जन्म से ही गूंगा था लेकिन आपको दर्शन मात्र से उसका गूंगापन खत्म हो गया, बच्चा मेरा अच्छा हो गया है, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। जब आशीर्वाद देने गए ना, बस बच्चा बोल पड़ा। बोले नारद जी सत्संग की महिमा समझ गए? बोले नहीं। बोले नहीं समझे? बोले नहीं। बोले आप जब ठाकुर जी को पास में गए थे सत्संग की महिमा भेजे पूछने के लिए, सबसे पहले कहाँ गए थे? बोले गिरगिट के पास। बोले मैं वही गिरगिट था, वही गिरगिट में था। लेकिन इस संत दर्शन की इतने महिमा ने उदाहरण दिया, पुंस अखनो सबितुर जथा, जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है। बोले संत दर्शन मात्र से ही सारे अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है गंगा में जाकर के स्नान करो तभी जाकर पवित्र होएंगे, लेकिन इस संतों को दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाता है। इसलिए संत जब ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है। जितने दूर तनु को दृष्टि जितने दूर तक जाए सारे दुर्भिक्ष सारे दुख कष्ट खत्म हो जाता है। जब कृष्ण कीर्तन में प्रेम में डूबते हुए नृत्य करते हैं, उनकी चरण स्पर्श पाते ही पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है। हैं कहते एक संत कहीं अगर जन्म ले लिया बस पूरा, देखो अमर नानक एक जन्म हुए पूरा पंजाब कल्याण कर दिया, छुकाराम जन्म हुई, मीराबाई जन्म हुई, हनुमान जी, देखो एक एक संत जन्म हुए तो दुनिया में कितने कल्याण कर दिया होगा, कितने कल्याण कर दिया एक एक संत जन्म हो गए तो। इसलिए संत दर्शन की, बोले मैंने पहले गिरगिट था लेकिन जब दर्शन किया आपको गिरगिट शरीर खत्म, फिर मैंने अच्छा जन्म लिया तोता जन्म होकर जन्म लिया, फिर तोते जन्म में जब दर्शन किया मेरे को फिर बछड़ा जन्म मिला। अरे गैया को अंदर में 33 करोड़ देवता रहते हैं, एक एक लो में एक देवता, हमें बोले गैया जन्म के बाद में इंसान जीवन मिलता है, बोले उसको बाद में फिर राजा का बेटे बन करके जन्म लिया, लेकिन जन्म तो लिया लेकिन जन्म से ही मैं गूंगा था। लेकिन जब फिर आप दर्शन दिए मेरे गूंगापन खत्म हो गया, फिर मैं मुंह खोलने लग गई। बोले इतने महिमा सत्संग के, बोला हाँ
सत्संग की बड़ी महिमा, इसलिए कहते हैं बिनो सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होना जीवन में हमें संतों का दर्शन हमें नहीं मिलता। इसलिए समझो आज हमारे बहुत अच्छा दिन है, हमें थोड़ी समय के लिए सत्संग मिल रहा है, ठाकुर जी की कथा सुनने को मिलता है। आप बोलोगे भैया सत्संग की क्या महिमा, एक तो महिमा सुन लियो, क्यों सत्संग की इतने महिमा क्यों बताते हैं आपको, और एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देखो अच्छे तरह से सुनना, दूसरों को भी समझाना, ऐसे नहीं जितना सुने तुम्हारे तक रख लीजिए, नहीं ये कथा को दूसरों को भी सुनाओ, दूसरों को भी भक्ति में उनको भी अनुप्रेरणा करो, ठीक है। क्यों ये सत्संग की महिमा, क्या हमें सत्संग से मिलता है, क्यों हर शास्त्र कहता है सत्संग करो सत्संग करो सत्संग से, क्यों सत्संग से हमें मिलता है क्या। एक स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं किसको भी पूछूंगा, जो बोल देगा ना इनाम दूंगा, ठीक है। ध्यान देखो क्यों सत्संग से हमें मिलता है क्या। बोले एक समय कोई एक राजा था, राजा घर में कोई औलाद नहीं, इसलिए राजा बड़ा दुखी है भविष्य में राज सिंहासन में कौन बैठेगा। एक दिन एक संत आए, बोले महाराज सब कुशल मंगल है ना। बोले महाराज क्या कुशल मंगल है, घर में कोई औलाद नहीं, ये राज सिंहासन में कौन बैठेगा, मैं दिन रात चिंता चिंता में डूबा जा रहा हूँ। तब संत ने आशीर्वाद दिया, बोले देखो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बड़ा सुंदर है बेटा तुम्हारी उम्र, इसलिए कहते ना जो ना करे लकड़ी कहते शुक्र फकरी, समझ रहे हो, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, कहते हमारी भाग्य में नहीं जो है, अगर फकरी होता है संत, अगर सचमुच से कोई संत कृपा कर दे ना वो काम हो जाता है। भागवत कथा सुने होंगे, पहले आत्मदेव का संतान नहीं था है, लेकिन संत ने एक फल दे दिया तो फल खाकर बचा हुआ, फल खा करके बच्चा हुआ, एक गैया ने भी बच्चा जन्म दिया जिसका नाम पड़ा गोकर्ण नाम पड़ा है। इसलिए संत ने कृपा की तो बड़ा सुंदर एक संतान हुआ, लेकिन क्या हुआ कुछ दिन बाद में वो बच्चा को तिरंडक हो गया, किस बदमाश दुष्टों गुंडों ने उसको उठा करके ले गए पैसा लोग से। एक दिन संत फेरे आए, बोले महाराज कैसे हो, बोले क्या बताऊँ मेरे दुख की कोई सीमा नहीं, बोले क्यों बेटा तो हुआ है, तुम्हारे तो बेटा हुआ और किसी दुख की बात है, बोले बेटा बचपन में किडनैप हो गया, गुंडों ने उसको उठा करके ले गए पैसा लोग से, पता नहीं मेरा बेटा जिंदा है कि मरा है। फिर संत ध्यान लगाए बच्चा गया कहाँ, उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देख लिया, बोले तेरा बेटा अभी ठीक ठाक है, बोले अभी जिंदा है, बोले ठीक ठाक बढ़िया से, बोले बताओ कहाँ पर मैं ले आता हूँ, बोले देखो बीच में और एक गड़बड़ी हो गई, बोले क्या है, बोले जिन गुंडों ने उसको उठा करके ले गए थे ना उसका असली परिचय उसको नहीं दिया है, वो कह रहे हम ही तेरे पिता माता है, छोटी सी कुटिया है कहती यही तेरे घर है, वो आपको भूल गए असली पिता माता को ना भूल ही गए। बोले फिर क्या किया जाएगा, बोले अगर आपका आशीर्वाद होगा ना, ए बात मत करो, ए बच्ची पानी फानी मत पिलाओ, चुपचाप बैठ कथा सुन, कथा को बीच में पानी मत दिया करो, कथा को बाद में पीना करो, ठीक है। इसलिए बोले बाबा, बोले मैं जाकर बच्चे को समझाऊंगा, अगर वो समझ गया तो फिर बच्चे को ले आना। बोले बाबा बड़ी कृपा होगा, तो गए संत अकेला देख रहे, इधर बोले तेरे घर कहाँ कौन सा है, वो छोटी सी कुटिया था ना, बोले ये मेरे घर है। बोले तेरे पिता माता कौन है, जो गुंडे लोग थे डाकू, बोले ये मेरे पिता माता है। बोले देख बेटा की बात बताऊँ, सही बात बताऊँ, बोले बताओ, बोले ये तेरी कुटिया भी नहीं है तेरे पिता माता भी नहीं है। बोले क्या बोल रहे हो, मैं बचपन से यही देख रहा हूँ, बोले इसलिए तो मैं बता रहा हूँ जो तुम्हारी घर है वो राजमहल है, देश का जो राजा रानी तेरे पिता माता है, एक दिन इसी देश का तू राजा बनने वाला है। बोले फिर, बोले जब तू छोटा बच्चा था उसी समय ने ये गुंडों ने तेरे को किडनैप करके लाए और तेरे को ये असली परिचय तुम्हारी ये नहीं दे रहे। बोले देख इसका प्रमाण देखो, बोले प्रमाण बताओ,
बोले देखना पिता माता की चेहरा में बच्चा का चेहरा मिलता मिलता कि नहीं। हम कहते हैं ना देखो उसको माँ की चेहरा आ गया, कभी कभी बोलते उसकी पिता की चेहरा आ गया, कभी कभी कहते देखो पिता माता दोनों का चेहरा आ गया, कभी इसका दादा की चेहरा, कभी बोलते ना दादा की चेहरा, मिलता कि नहीं पिता माता के बच्चों का। बोले देख तू जिनको पिता माता कह रहे हो तेरे चेहरा को मिलता है, और देश का जो राजा रानी उनको साथ में तू अपना चेहरा मिला, किसको साथ में मिलता है। अभी तक तो उसने इसी विषय पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन सचमुच से जब उसने सोचा बात सही है, वो तो दिखने में लंबे चौड़े गौरव वर्ण के दिखने में बड़े सुंदर राजा रानी को साथ में मिलता है, लेकिन अभी जिसको उसको पिता माता कहते ना एकदम उसको साथ में एक चेहरा नहीं मिलता है। अरे आप तो सही बता रहे हो, बोले घर में जाओगे अपना घर में जाओगे राजमहल में रोज छापन भोग 36 व्यंजन खाने वाले तू, अभी तेरे भाग्य में सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा, जाओगे? बोले मैं जाना चाहता हूँ। फिर राजा को जाकर तो सारी बात समझाए, फिर राजा समझ गए बोले अमुक स्थान पर बच्चा है, तो वो आकर के चारों तरफ में सैनिक को द्वारा में घेराव करवाए, जितने गुंडे डाकुओं को जेल में बंद करके बच्चे को उसने वापस लिया। जब वापस लाए उसने देखा राजमहल मेरा घर, राजा रानी उसको पिता माता, और एक दिन उसी राज्य का राजा भी हुई है। हाँ देखो ये चीज को समझो, ये सत्संग की महिमा इतने क्यों बताए, क्यों बताए बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ ना हो, क्यों ये सत्संग की इतने महिमा, ये चीज को समझो। वो जो बच्चा और कोई नहीं हम ही है, हम ही बच्चा है। हमारे पिता माता कौन है? बोले तुमैव माता च पिता तुमैव, बोलो तुमैव बन्धुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्यां द्रविणा तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देव। इसलिए हमारी पिता माता कौन है? असली पिता माता आपको है, भगवान है हमारे पिता माता। इसलिए कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं औलाद हैं, लेकिन हम सबके सब किडनैप हुए हैं, हम सब किडनैप हैं, मानते हो किडनैप हुए हो? कौन कौन मान रहे हो किडनैप हुए? सबके सब हम किडनैप हुए हैं। अभी जिसको पिता माता कह रहे हो क्या सचमुच से पिता माता है क्या? नहीं है, दो दिन का नाता, तीन दिन में कहाँ खत्म हो जाए। हम जिसको घर बनाए क्या घर में रह सकते हैं? शरीर से परमात्मा निकल जाने पर एक घंटा भी यहाँ पर रुकने नहीं देंगे तुम्हें, निकालो घर से, राय उनकी छिड़काव कराएंगे, लोहे रख लेंगे, दो बार घुस नहीं जाए घर में, वो व्यक्ति दो बार घर में घुस नहीं आ जाए हैं। इसलिए माता जी के बच्चे को तुम पीछे लेकर बैठे जा, इसलिए हम सबके सब यहाँ पर किडनैप है सबके सब, इसलिए हम सबके सब यहाँ पर किडनैप बच्चे हैं। लेकिन अभी प्रश्न है हम रहने वाले कहाँ पर है? कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपदुतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो मेरे जो धाम है जीव का जो धाम गोलोक वृंदावन है, जहाँ पर जन्म नहीं मृत्यु नहीं दुख नहीं जरा व्याधि आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक कोई कष्ट नहीं, या आनंद ही आनंद है, आनंद घन वहाँ बरस रहा है, आनंद ही आनंद है। लेकिन अभी हमारी जो असली जो घर है ना पिता माता, हम उसको भूल चुके हैं। भूलने का वजह से क्या हो रहा है? हर जीवन में हमें नए नए पिता माता, नए नए पति, नए नए पत्नी मिलती है। हर जीवन में नया घर मिलेगा, नया पिता माता, नया परिवार सब मिलता, लेकिन दो दिन बाद में छोड़ देते हैं, छोड़ देते कि नहीं? छोड़ना पड़ता है। क्यों? हम असली घर में पहुंचे नहीं, असली पिता माता को हम अभी पहचान नहीं है, हैं? लेकिन अभी ये बात हमें कौन समझाता है, ये बात हमें कौन ये चीज को समझाएगा? कहते ये संत हमें समझाते, जैसे संत ने जा करके बताया बेटा ये तेरे पिता माता नहीं है तो किडनैप हुए हो, इसलिए असली पिता माता का राजा रानी, मतलब बांके बिहारी राधा रानी हमारी असली पिता माता, बांके बिहारी श्री राधा रानी, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए रहने वाले कहा, इसलिए वेद कहता है
अमृतस्य पुत्र। हम किसकी संतान हैं? कहते हम अमृत की संतान हैं, जो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, जो सत चित और आनंद स्वरूप जो भगवान हैं, हम उनकी ही बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन माम उपतु तू कौन तो पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक जीव मेरे पास में नहीं आते हैं, तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र में हम भटकते रहेंगे। लेकिन जब ठाकुर के पास में चले जाएंगे, बोले जहाँ जाने से जीव फिर संसार में दो बार उसका आना नहीं पड़ता है, ये भगवान की धाम है, ठीक है ना। अभी प्रश्न है, हम अपना घर में कैसे जाएंगे, अपना घर में वापस कैसे जाएंगे? अपना घर में वापस जाना चाहिए ना, वापस जाना चाहिए ना अपना घर को। बोले अपना घर को हम वापस कैसे जाएंगे? बोले देखो भगवान सबसे सरल उपाय बताए वापस जाने के लिए। बोले कली जी को केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी करा वो करे। बोले कली जी में ज़्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी परिश्रम करने पर हम अपना घर में वापस जा सकते हैं। वो क्या है? बोले भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम अगर जब करेंगे तो बस अपना घर में चले जाएंगे। इसलिए आप देखो जीवन में भले ही जो कुछ करना कर लो, लेकिन अंतिम समय जब आती है, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, अब देखे हो चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? वो जो ऊपर लेटा हुआ है। बोले देख बेटा, जीवन में जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है, केवल वही सत्य है, वही जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया हो, केवल तुमने झूठे में अपना जीवन बिताया। यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहा है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार जाएगी तो शमशान तक जाएगी, उसको आगे कोई भी काम में आने वाला नहीं। क्या काम में आएगा? बोले पायो जी मैंने। आप लोग तो सब पंडित लगता है, सब जानते हो। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते वस्तु अमोल को दी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के नाम धनी सत्मत हमारे साथ में जाएंगे, ठीक है ना। क्या करनी चाहिए? हरि की नाम करनी चाहिए, भगवान की नाम को जप करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अरे जोर कर बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे जैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म प्रचार हो, देखे ना क्रिश्चियन लोग वो क्रिश्चियन धर्म को प्रचार करते हैं, मुसलमान लोग मुसलमान धर्म को प्रचार करते हैं, मुसलमान धर्म को प्रचार करते हैं। हम तो हिंदू हैं, हमें क्या करनी चाहिए? अपना सनातन धर्म को, अपने हिंदू धर्म को प्रचार करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आप देखना पहले भारत इतना बड़ा था, शायद और कोई दूसरा देश इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे 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 इंडोनेशिया और दूसरे देश को पूर्व बंगाल पाकिस्तान करते करते धीरे धीरे भारत कम होती जा रहा है, कि भारत हमारी छोटी होती जा रही है। कारण क्या है? हमारे धर्म में हमारी विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। मुसलमान को देख लेना, मैंने कहीं कथा करने गया था, आ रहा था, देखा कि छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है, 10 साल का था। मैंने पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने नाम बोला, पता चला ये मुसलमान। मैंने कहा तेरे को कुरान आती है? वो छाती फुला के बोला, हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा भैया बोलो देखी, वो छोटा छोटा बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी मुसलमान धर्म में कितने साल उम्र से कुरान पढ़ाया जाता है? देखो क्या कहते हैं,
बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में कुरान पुस्तक दे, कंपलसरी। हम लोग दिल्ली का तरफ में रहते हैं ना, शुक्रवार का दिन आप सोच नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मुसलमान भाई लोग पूरा मेन रोड बंद कर देते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है, जाकर कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चों को लेकर के। हम गए थे अभी कथा करने के लिए जम्मू, जहाँ कथा कर रहे थे पास में एक मस्जिद था, सवेरे 5 होते ही सारे बच्चे मुसलमान बच्चे आ जाते हैं वहाँ पर कुरान पढ़ना, उनकी कुरान सुनकर के हम नींद खुलता था। अरे अभी 5 बज गया ऐसे ऐसे, तभी तो उनके धर्मों के प्रति इतना निष्ठा है ना, लेकिन हमारे धर्मों का प्रति हमारी इतना निष्ठा नहीं है। कारण है हम लोग बचपन में नहीं ना, बच्चों को अंदर में संस्कार नहीं डालते, हम बचपन में किसको संस्कार नहीं डालते। जैसे हम लोग हिंदू है ना, आपको आपको कोई गीता का कोई श्लोक याद है, आप लोगों को कोई गीता का कोई श्लोक याद है, आप लोग रामायण की कोई चौपाई याद है, बोलो कौन हीरो का नाम, कौन हीरोइन का नाम, सब याद होगा कि नहीं, बताओ कभी किसकी है, हमारी अंदर में, क्यों खुद करते नहीं, बच्चों को अंदर में कोई संस्कार नहीं डालते, लेकिन उसको क्या दे देते हैं, स्मार्टफोन पबजी देख दिन भर है, और पबजी देख तो और क्या कार्टून देख, ये करते कि नहीं, इसलिए कमी हमारी अंदर है, हमारी अंदर, इसलिए क्या करो बच्चों को अंदर में अच्छे संस्कार डालो, ठीक है ना, अच्छे संस्कार बच्चों को अंदर में डालो। हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने आकर के बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते, तो गुरु जी ने बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले रामायण पढ़ोगे नहीं पढ़ाओगे नहीं, बच्चे कहाँ तुम्हारी सेवा करेंगे, सीखेंगे कहाँ, कहाँ बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, रामायण में बताया, ठीक नहीं, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा, भगवान सवेरे उठकर क्या करते थे, पिता माता की चरण छूते थे, छूते थे कि नहीं, भगवान रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास गए, कितने साल के लिए 14 साल के लिए। अगर हम अपना बच्चे को बोले तो 14 दिन के लिए पिता माता की सेवा करने के लिए कहीं जाओ, जाएगा तुम्हारी बेटा, वो हनीमून मनाने के लिए जा सकता है, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए नहीं जाएगा। कारण क्या, गुरु जी कहते थे हमारी रामायण में भागवत में गीता हम पढ़ते नहीं है, संस्कार तो ग्रंथ से ही बनेगा ना, ठीक है ना, इसलिए क्या करना है, हमारे सनातन धर्म को प्रचार करना, ठीक है, सब जगत में सनातन धर्म को प्रचार करना। इसलिए आपको और एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो स्टोरी को सब याद कर लेना, ठीक है, अब करके क्या करना, तुम्हारी यार दोस्त सबको समझाना और भक्ति जगत में प्रचार करना। अभी स्टोरी को अच्छे तरह से समझो, ये स्टोरी को जो सुनेगा ना उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसका जीवन। हाँ, मन देख रहे सुनो, बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियाँ थी, कितना रानियाँ थी, 4, जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी मनपसंद चीज़ को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो देखने में सबसे सुंदरी थी, सब चाहते ना पत्नी मेरी सुंदरी हो, इसलिए उसको रथ में सजा धजा कर बैठा लेता था, जो नगर घूमने जाता था उसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितनी सुंदर। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, इसलिए जब महल में आता था उसको पास में बैठ करके तो उसको मीठा मीठा कथा सुनता था, बात सुनता था। जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी अच्छी प्यारी, लेकिन जब से उसको घर में शादी करके लाए तब से उसके साथ में कोई मतलब नहीं था, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। अभी राजा का अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, सोचा मेरे 4 रानियाँ इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक चलती है। तब उनमें सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, अब बता बड़ी रानी कौन थी, हाँ तुम लोग कोई सुन नहीं रहे, अकेली माता जी सुन रही, कोई उत्तर नहीं दे रहा, इसलिए ताली बजाओ कैसे सुनी ध्यान से। इसलिए जो सबसे राजा जिसको प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था, राजा पूछा सबसे बड़ी रानी से पूछता हूँ कहाँ तक चलती है, बोले रानी मेरे अंतिम समय आ गई, साथ में चलोगी,
बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों? तेरे लिए जो मैंने सब कुछ किया। बोले तेरा कर्तव्य था। बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा कष्ट मिला। राजा को सोचा दूसरे रामर से पूछे, दूसरी कौन थी? सबसे सुंदर थी। राजा जिसको सजा धजा करके पास में बैठा करके दुनिया को दिखाया करता था। बोले रानी तू साथ में चलोगी? बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँ। दूसरे से? तो दूसरे से शादी क्यों करोगे? बोले देख मैं कितनी सुंदरी, पहले तो तुम दुनिया को दिखा करके पहले ही अकेला, मैं जहाँ जाऊँगी वो मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूँगा। राजा को प्यार नीचे तो जब नहीं सके। बोली क्या बोलती है क्या? तीसरे नंबर से पूछा, तीसरे नंबर कौन थी? मीठा बोलती थी, जिसको सुन सुन कर खुश रहता था, मन की बात जिसको बोलता था। तो उसने तीसरी रानी से पूछा तू साथ में चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले मैं चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती हूँ। बोले दरवाजा तक चलना कोई चलना? बोले ज्यादा बोलोगे ना, तीन चार कदम तो दरवाजा से आगे मैं चल सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में मैं चलने वाले नहीं। राजा बोला दरवाजा तक चलना थोड़ी कोई चलना, तू भी किसी काम की नहीं, बेकार है। अभी नंबर आई चौथी नंबर। चौथी नंबर कौन थी? हाँ, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट कर रखा था, कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। अभी राजा पूछ रहा है इसको पूछूं कि नहीं पूछूं, क्योंकि जिसके लिए करोगे उसको पूछोगे, जिसके लिए करोगे नहीं उसके लिए क्या पूछोगे। सोचा जब मेरी रानी है एक बार पूछ करके देख लेता हूँ। तो उसने पूछा रानी तू मेरे साथ में चलोगी? इतना सुनते ही रानी को तो भड़क गई। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? जब से तुमने घर में शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा मेरे को तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं? कभी पूछा तुमने? जिंदगी भर तो पूछा ही नहीं, मरते समय कहते तुम साथ में चलोगी, शर्म लगनी चाहिए। बोले रानी मैं तो पूछना ही नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख ही लेता हूँ। बोले देख जिन जिनियों को तुम इतने प्रेम करता था देख लिया ना, कहाँ तो कौन गई? बड़ी तो बोलती मैं एक कदम नहीं चलूंगी, दूसरी बोली मैं दूसरे से शादी करूंगी, और तीसरी बोली दरवाजा तक चलूंगी। देख लिया ना? बोले देख लिया। बोले देख राजा तेरे को मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम मैं ही करती हूँ, मैं ही जिंदगी में तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी बनूंगी, दुखी में दुखी बनूंगी, बिना खाए पिए तेरे को खाना खिलाऊंगी। राजा तो सुन करके अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले जिनके लिए जिंदगी भर किया जाने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयारी। हाँ देखो इसकी कथा की तात्पर्य का आप लोग सुन लो, अगर इसका तात्पर्य समझ गए ना, समझो आपका जीवन हमारी बदल जाएगी, हमारी जीवन हमारी बदल जाएगी। इसके रहस्य को सुनो, ये घर का मालिक कहाँ गए? क्या नाम था? इधर आओ सामने। तो घर में बुलाया पीछे बैठ गया, जो पीछे सब इधर आ जाओ पीछे भैया, जो पीछे बैठे इधर आ जाओ। हाँ कुछ तो लेकर ही जाओ। हाँ इधर खाली हाथ से कोई जाना नहीं, इधर कुछ ना कुछ लेकर ही जाना। सब जो पीछे बैठे आगे आ जाओ। देखो जो बढ़िया जो स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट ना सामने बैठता है, और जो खेल बच्चे सब पीछे बैठते, जो अनपढ़ बच्चे आगे आ जाओ सामने। हाँ ये कथा को याद कर लो और दूसरों को भी सुनाना, ठीक है ना? देखो हम इसीलिए तो आए कुछ देने के लिए आपको, हैं ऐसे चीज देने के लिए जाए, और जिसको जितने लुटा होगा ना उतना बढ़ेगा। ये धन मीरा कहती है ना, दीन दीन बढ़त सवार, ये धन जितने लुटा होगा उतना बढ़ेगा, ये कभी घटेगी नहीं, ठीक है ना? इसलिए अभी वो राजा और कोई नहीं, राजा हम ही हैं, हमारी चार पत्नियां हैं। चार पत्नी मतलब है जगत में हम जिन जिनियों को प्रेम करते हैं। कहते जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था, लेकिन अंतिम समय में उसने जवाब दे दिया तेरे साथ में नहीं चलूंगा। कहते भैया ये सबसे बड़ी रानी कौन है? जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस समय में जिस चीज की मांग करती है भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़ जाए, लेकिन ला ला करके उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में जो साथ हमारी जाने वाले नहीं। कहते वो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर ले? हम बता सकते जिसको ज्यादा प्रेम करते? तुमने गुरु ना सुनी हो,
जो सुने नहीं हम उनसे पूछ रहे हैं। इसलिए बोलो किसको ज्यादा जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, किसको ज्यादा प्रेम करते हो बोलो, अपनी औलाद और किसको किसको प्रेम करते हो बोलो, आपको पता नहीं किसको ज्यादा प्रेम करते हो। कोई बोलेगा पति को, कोई बोलेगा पिता माता को, बोलेगा ना, कोई बोलेगा बच्चे को, यही तो बोलेंगे परिवार को। लेकिन शास्त्र कहता है ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये जगत में केवल स्वार्थ है। जो प्रेम हमें दिख रहा है वो चूंकि आपसे अब कुछ मिल रहा है, आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए वो प्रेम दिख रहा है। मिलना बंद कर दो उसी समय सारे नाता तोड़ दे। फिर प्रश्न होता है फिर जगत में हम प्रेम कर रहे हैं किसको, बोले अपने आप को और अपना शरीर को हम ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को जो प्रेम करेगा, शरीर को जो खिलाएगा पिलाएगा वही हमारी सब कुछ है। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहते बोलो सूट सलवार बढ़िया खरीदी करेंगे, गोल गप्पे खाने चाहते चलो बर्गर खाना चलो, हैं चवनप्राश बोले खिलाएंगे। देखना ये शरीर जिस चीज की मांग करती है उसको ला ला करके देते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आया शरीर से पूछे चलोगे, बोले जब हंस अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा बड़ा रह जाएगा, जब ये शरीर से परमात्मा चली जाएगी शरीर जाएगी क्या, नहीं जाएगी, शरीर ही रह जाएगी। अभी दूसरी पत्नी जो सबसे सुंदरी थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, कहती है सबसे सुंदरी कौन है, इसलिए हम कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये, सबसे सुंदरी क्यों, पैसा रहेगा बढ़िया खाएंगे पिएंगे घूमेंगे बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, हैं ये पैसा की कमाल है। कितना जो कमाते हैं पैसा उनको पता होगा कितने कष्ट करके आप पैसा कमाते हैं। पैसा से पूछे साथ में चलोगी, बोले मैं चलूंगी कि आप देख रहा हूँ तो कब मरोगे मैं दूसरे से शादी करूँगी, मतलब क्या बच्चों का नजर कहाँ पर थी, पिताजी का कितने प्रॉपर्टी कहाँ पर, कितने दुकान मकान बैंक में कितने पैसा, बच्चों का नजर वही रहती रहती कि नहीं। लेकिन शरीर छोटे क्या होता है पैसा झट दूसरों को नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कहती भैया तेरे साथ में मैं नहीं चलूंगी, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, और जिसको पास में जाएगा वो भोग करेगा, इसलिए पैसा भी हमारे साथ में नहीं जाती। मैं तो अपना गांव में देखा, हमारे गांव के जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था ना, क्या हुआ किसी बच्चे को थोड़ा कम हिस्सा किसको थोड़ा ज्यादा हिस्सा हो गया था, जब जिसको कम हिस्सा मिला था ना, जब उसको पिताजी सैलरी छोड़ा उसने डंडा लेकर खड़ा हो गया, बोले पिताजी की सैलरी में जो शरीर हाथ देगा ना सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी का काफी मंगा, कितने प्रॉपर्टी कितने दुकान मकान पहले बंटवारा हो जाए फिर पिताजी के शरीर शमशान ले जा सकते, वो खड़े हो गया वहां पर, पहले बंटवारा करके उसके बाद में फिर पिताजी की अंतिम संस्कार की गई। और संस्कार आप सोच नहीं सकते, इसको कम था ज्यादा हो गया ना, ठीक ठीक से नहीं किया, तो सबसे बड़ा जो मालिक था हमारे गांव के हैं, इसलिए ये स्थिति है। अभी तीसरी नंबर, राजा जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, उसको जो पूछा बोले चलोगी, इसने क्या बोली, बोले दरवाजा तक चलोगी, मतलब क्या ये कौन है, बोले पत्नी, जिसका मीठा मीठा बोली सुनता है। पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, आप बताओ हमारे घर में पत्नी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, दरवाजा तक जाती है, उसका आगे नहीं चलती है। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं, बोले तेरे लिए आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएगी, बोले कहाँ तक ले जाओगे, बोले शमशान तक ले जाएंगे, बोले उसको आगे, बोले आगे और नहीं चल सकते। हाँ देखो अभी ध्यान देकर देखो, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया था, ये बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन अंतिम समय में ना वही साथ देती है, वही साथ देती है। अभी प्रश्न होता है जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किसको करके रखें, भगवान को और भगवान की भक्ति को, भगवान और उनकी भक्ति को। अगर किसको बोले भगवान की थोड़ा हरिनाम करो, भगवान की थोड़ा भक्ति नाम जप करो, फिर हम क्या कहते हैं, सो बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं ना, उसको माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हैं। हमारे पास में बहुत सारे हैं, हमें टीवी देखना है, स्मार्टफोन देखना है, गप्पे मारनी है, देखना हर चीज के लिए हम समय दे देते हैं, लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात बोले ना, हजार बहानाबाजी करते हैं, हमारे पास समय कहाँ भजन करने की। लेकिन भैया जो कुछ कर लो,
इसको निगलेक्ट करके रखे, लेकिन अंतिम समय में जब चार व्यक्ति ले जाएंगे यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाते हैं ना। ऊपर जो लेटा हुआ उसको ही सुनाते हैं, बोले जीवन में जितने हरि का नाम भगवान ने भजन किया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तो बोले झूठे में बिताए, यहाँ से एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में नहीं जा रही है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दीमर सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले ये धन कैसे हैं, बोले चोर नहीं लबे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सब आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ देखो आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक दिन भगवान ने अच्छी शिक्षा दी, एक दिन भगवान को निमंत्रण दे रहे थे हमारे घर में भोजन है, लेकिन महाप्रभु बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा, क्या बनेगा, आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, आप तो कहाँ लाख की बात करते हो, पर हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। भगवान बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊ गली गली राम नाम के इरे मोती में बिखरा गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसो माला मालोगे और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कांगाल होगी। अब मेरे तरफ देखो लखपत कैसे बनोगे, इधर देख लो, अब सबके एक एक माला देख के जाऊंगा, ठीक है हाँ, प्रभु का नाम जप करना, देखो लखपत कैसे बनोगे। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने कि नहीं, अमिताभ बच्चन बोलता ना कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना टीवी में कौन बनेगा, हाँ यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, देखो लखपति कैसे बनेंगे देख लो। जैसे ये माला है ना, जब ये माला में ये जो अंगुल है इसमें नहीं लगाते हैं, बोले क्यों, ये गंधा अंगुल, हम कहते हैं ना तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है ना, इसलिए ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकालते हैं, और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रख करके आप लोग मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। अभी भी कुछ माताएं बोल नहीं रही, जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। बोल करके ना इसमें एक मोती सरकाते हैं, दो बार बोलेंगे तो दो मोती सरकाते हैं, तीन मोती सरकाते हैं। देखो ध्यान देकर देखो, जब यहाँ खत्म हो जाए इसको पार नहीं करते हैं, क्योंकि ये राधा कृष्ण का स्वरूप, उसको पार नहीं करनी चाहिए, ये मोती नहीं एक जो गोपी है राधा कृष्ण को बीच में रखकर रास कर रहे हैं, है माला रूप में ठाकुर जी है, इसलिए यहाँ जब आ जाए ना इसको फिर ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से फिर दूसरे तरफ में कर, ठीक है। इसलिए देखो 1,00,000 कैसे होता है, देखो जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया, मतलब एक मोती सरकते 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती हैं, अगर इसको हमने 16 माला अगर कर लिया ना वो हो जाता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर ली ना हो जाता है 1,00,000। इसलिए भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, बोले क्या की, बोले तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, भगवान खुश है 1,00,000 रुपया तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट हो गई, बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी, बोले दीना दीना बढ़त सवाल, आज अगर 1,00,000 की ना कल तुमको 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में ये सब के सब तुम्हारे कापी में फिक्स डिपॉजिट हो रही है, ये सब डिपॉजिट हो रही है तुम्हारी, जब शरीर छुटेगा ना देखो मलाई माल तुम्हारे लिए बोलो कि वृंदावन से व्रत आएगा लेने के लिए, जो व्यक्ति भगवान की भजन करते हैं हरिनाम करते हैं उसको जमदूत नहीं ले सकते, वो सीधा ठाकुर के पास में जाएगा,
भगवान को पास में जाता है वो व्यक्ति है। इसलिए सबके सब कोशिश करना हरिनाम करने के लिए, खुद भी करो, बच्चों को भी हरिनाम कराओ। देखना जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगती, चंचल है, भगवान के नाम जब कराओ बच्चा चंचल नहीं होगा, अपने आप पढ़ाई में अच्छा नंबर आएगा, खुद देख लेना। क्योंकि इसमें तीन नाम है, हरे कृष्णा और राम। बोले हरे मतलब क्या होता है? बोले हरे मतलब होता है हमारे जितने दुख कष्ट को जो हर ले, दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरि। कृष्ण मतलब क्या? आप देखना घर में सब कुछ कर, कोई मन को शांति नहीं, मन को शांति नहीं। क्री मतलब क्या? आकर्षण करना। स्ना मतलब आनंद देना। कृष्ण नाम लेने से क्या होगा? मन को शांति मिलेगी। बोले राम मतलब क्या है? बोले जीवन में आराम मिलेगा। जीवन में क्या मिलेगा? हम तो यही चाहते हैं ना, वो क्या चाहते हैं? जीवन में शांति, सुख, आराम, पाप खत्म हो, हम पुण्य आए, यही तो चाहते हैं ना। ये हरि नाम से, ये सारे चीज ये हरि नाम से ही हमें प्राप्ति होगा, ठीक है। इसलिए सबके सब हरि नाम करियो। सबके एक माला दे करके जाओ। कौन कौन माला जप करेगा? हाथ उठाओ।